कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी छोड़ने पर भाजपा में शामिल होने पर यूनाइटेड कार्यकर्ताओं ने तीन शेर चौक पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उनका पुतला दहन किया। बता दें यूनाइटेड कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर अपना रोष व्यक्त करते हुए नाराज कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन कर नारे लगाए। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उनके इस्तीफे की मांग भी की। बता दें बाजार चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लीकचंद पवार, क्षेत्रीय अध्यक्ष रघुवीर मोहन, कांग्रेस कमेटी लिंगा के अध्यक्ष विजय गांडवे, सेवा दल अध्यक्ष अशोक फरफरे और तमाम बड़े कार्यकर्ता और बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बता दें प्रदेश में कांग्रेस सरकार को अस्थिर का आरोप लगाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया गया। इस अवसर पर सेवा दल अध्यक्ष नीले सिंह साहू के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन किया गया। बता दें आपातकाल के हर बरसी पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना बीजेपी के लिए बरसों से एक रिवाज बन गया है। इमरजेंसी की 45वीं बरसी पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के ज्यादातर आक्रामक होने पर इसकी वजह है राहुल गांधी। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के हमलों का ढंग से जवाब देने के लिए बीजेपी को 25 जून तक अब इंतजार करना होगा। वहीं अमित शाह, रविशंकर प्रसाद से लेकर जेपी नड्डा तक बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस को चैन की सांस लेने का कोई मौका देने के लिए मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। चीन के साथ संबंधों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को दिल्ली में घेरा तो मध्य प्रदेश में दोबारा होने जा रहे उपचुनाव को देखते हुए सिंधिया को मंच पर बिठाकर तारीफ में कसीदे भी पढ़े थे। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की थी, जैसे ट्विटर पर अमित शाह ने कांग्रेस नेता संजय झा के बहाने कांग्रेस को निशाना बनाया, कुछ ऐसा लगता है जैसे बीजेपी कांग्रेस के नाराज नेताओं को न्योता दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना को मात देने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सामने आए थे उस वक्त। वही जून में ही कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सिंधिया को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वही हाल ही में वह स्वस्थ होकर वापस लौटे। आपको बता दें बीजेपी के मंच पर तो वो दिल्ली में पहले भी दिखे थे और फिर जब भोपाल में गए तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हाथों में हाथ डाले दिखाई दे रहे थे। लेकिन जेपी नड्डा की वर्चुअल रैली सिंधिया को भी लंबे समय तक याद रहेगी। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी की रैली में नड्डा के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का विशेष रूप से स्वागत किया था। अमित शाह के बिहार जनसंवाद से शुरू होने के बाद ही मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी के 2 वर्चुअल रैलियां हो चुकी हैं। आपको बता दें बीजेपी से पहले हुई रैली को नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया था। गडकरी की रैली को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी कड़ी आलोचना की थी। कमलनाथ ने कहा था कि एक तरफ लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, बीमारी से दम तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा उत्साह मनाने में और उपलब्धि गिनाने और चुनाव लड़ने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।